तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज का इस वीडियो में कुछ स्पेशल होने नहीं वाला है, बस कुछ नया आपको दिख रहा है, नया बैकग्राउंड, मेरा नया लुक, कैप वगैरह। बाल थोड़ा निकाल दिया, मेरे बाल बहुत गिर रहे थे इसके लिए बाल मैंने निकाल दिया है। ओके, तो सिर्फ यही सब कुछ दिखने वाला है और मेरी बकवास आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन नहीं, रुक जाओ, चैनल पे स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहो। हम आपको बहुत नॉलेजफुल वीडियो में बातचीत करने वाले हैं, बहुत नॉलेज आपको मिलेगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर अभी गोवा में हम कब आएं, उसी का आंसर आपको हम करने वाले हैं कि क्या यहाँ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी आप आओगे तो, और आपको क्या फेस करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स गो। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो जाके फटाफट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल आपका आता है, सर हम गोवा में कब आएं? तो हम आपको गोवा में क्यों नहीं बुला रहे हैं, उसका सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पर आने के बाद आपको 2000 रुपये रेलवे स्टेशन पे, रेल से आते हो तो, प्लेन से आते हो तब, एयरपोर्ट पे, और अगर बाई रोड आते हो बस से, बाइक से या कैसे भी आते हो, तो आपको बॉर्डर पे आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप आओगे। पे नहीं मान लो तो आपका कोरोना टेस्ट होगा। आपका कोरोना टेस्ट करने के बाद 1-2 घंटे में जब भी रिपोर्ट आएगी आपको छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आप यहाँ आओगे तो आपका पहचान वाला भी आपको रूम में नहीं रखेगा, इसके लिए आपको न्यू रूम लेना पड़ेगा। न्यू रूम लेने के लिए तीसरी प्रॉब्लम के रूम ऑनर थोड़े रूम नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप उनकी सोसाइटी में आओगे आउट ऑफ गोवा से, तो आपको वहां पर आसपास में नहीं रख रहे हैं कि आप पता आपको कोरोना है, बाकी सारे लोगों को हो जाएगा। उनका भी डर एक बार सही है, लोगों का जिस हिसाब से माइंडसेट बन चुका है कोरोना को लेकर के, आपका भी बन चुका है, हमारा भी बन चुका है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी हम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए, अपने परिवार के लिए, आप लोग काम कर रहे हो अपने परिवार के लिए। ओके, तो तीन प्रॉब्लम बताया कि आप आओगे गोवा में तो आपको गोवा में आओगे तभी आपको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पे, प्लेन, एयरपोर्ट पे या फिर गोवा बॉर्डर पे। उसका कोरोना टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगा, तब आप आओगे, होम क्वारंटाइन रहोगे। ठीक है, होम क्वारंटाइन जब जो भी गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से होम क्वारंटाइन आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा। लेकिन होम क्वारंटाइन आप कहाँ रहोगे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हम बुला लूंगा तो आपको रोड पर तो मैं रखूंगा नहीं, आपको रूम देना पड़ेगा। तो रूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रूम आना रूम नहीं दे रहे हैं कोरोना के डर से। जो दे भी रहे हैं तो आपको आओगे तो ही आपको पैसा पे करना पड़ेगा, कितना, जितना रूम का रेंट रहेगा। समझो 4000 रूम का रेंट है तो 4000 देना पड़ेगा, 6000 रूम का रेंट है तो 6000 देना पड़ेगा, 10000 रूम का रेंट है तो 10000 आपको तुरंत देना पड़ेगा। नहीं है उतना पैसा तो हाफ तो आपको देना ही देना है। ठीक, आपका पैसा थोड़ा उधर चला जाएगा। उसके बाद रूम में रहने के लिए सारा व्यवस्था, खाने बनाने के लिए सारी व्यवस्था आपको लेनी पड़ेगी, वो सारी चीजें में उसमें पैसा आपको इन्वेस्ट हो जाएगा। गैस लोगे, स्टोव लोगे, बर्तन लोगे और राशन लोगे, सारी चीजें आप तो लोगे ही ना। आप अकेले आओगे तो एफर्ट नहीं कर सकते हो, दो लोग भी आओगे तो एफर्ट नहीं कर सकते हो, कम से कम 2-3-4 बंदे होने चाहिए तो एक, मेरे को लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, एक रूम लेकर के आप रह सकते हो वहां पर। और एक जो भी होम क्वारंटाइन सिस्टम, उतने दिन होम क्वारंटाइन रहने के बाद आपको काम मिल जाएगा। काम यहाँ पर बहुत है, काम आपको बहुत सारा मिलने वाला है, सिर्फ यहाँ लोगों की कमी है। लोग जो काम कर रहे थे वो कोरोना के डर से घर चले गए, आज घर जाने के बाद फोन कर रहे हैं, सर आ जाए का गोवा, काम मिल जाएगा। मिल जाएगा, लेकिन आओगे तो आप रहोगे कहाँ? आपका रूम आना आपको रूम में नहीं रहने देगा, आपका जो रूम पार्टनर है वही आपको अपने पास नहीं रखने देगा, कहाँ रहोगे आप? ये सारी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम आपको गोवा में नहीं बुला रहे हैं। तो आप बुरा मत मानिए, जो ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम आपको बुलाना स्टार्ट कर देंगे, या फिर एक प्लानिंग करो कि 4 बंदे या 5 बंदे आओ। ये सारी चीजें जो मैंने बताया है सिचुएशन, आप काउंट कर लो, इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए, अरे यार अभी तो बोलना भूल गए ना, अरे वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो भाई साहब, वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल हमें जाते जाते के वापस से आपको याद दिला दूं, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, कैसे भी करके बेल आइकन को हिट कर लो। और जो भी कुछ कहना है
सलाह, सुझाव, गाली नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहां बरसा दो अपना प्यार। ओके, तो बस चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।